हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो देखो यार, पहले तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस चैनल पर अब वीडियोस नहीं बनाना, लेकिन कुछ मेरे एक ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन लोगों ने डायरेक्टली मैसेज किया मुझे और मैंने उनको रिप्लाई भी दिया कि मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं बना रहा। लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं फिर से वापस आ चुका और हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आला वैकंठ पुरलोजू। यार ये क्या मसला चल रहा है? पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने आला वैकंठ पुरलो नहीं देखी है, देखो मैंने वो मूवी देखी है और वो मूवी नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है, लेकिन हाँ वो हिंदी में अवेलेबल फिलहाल नहीं है। लेकिन सच बात बोलो, जो कि दूसरे यूट्यूबर्स नहीं बोलेंगे, आला वैकंठ पुरलो ये एक एवरेज मूवी है। आप लोग कह सकते हो कि ये एक वन टाइम वॉच मूवी है, और वन टाइम वॉच भी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसमें अल्लू अर्जुन है। अगर अल्लू अर्जुन उस पर्टिकुलर मूवी में नहीं होते तो वो वन टाइम वॉच मूवी भी नहीं बनती थी। अब आप लोग समझ चुके। और अगर उसके ऑफिशियल रीमेक जो कि बन रहा है बॉलीवुड में, जिसका नाम है शाहजादा सहजादा, जिसमें हमें नजर आने वाले कार्तिक आर्यन, तो जब ये मूवी अनाउंस हुई थी रीमेक और उसमें कार्तिक आर्यन का नाम आया था, तो मैं तभी समझ गया था कि भाई अल्लू अर्जुन की वजह से वो मूवी उतनी हिट हुई है। कार्तिक आर्यन इतना बड़ा स्टार है नहीं, ना ही वो इतने अच्छे एक्टर है कि वो अपनी मूवी से कोई एवरेज स्क्रिप्ट को भी उठा ले, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो शाहजादा जब अनाउंस हुई थी तभी मेरी नज़र में फ्लॉप हो गई थी, और अब तो जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई उसके बाद तो वो 100% फ्लॉप ही होने वाली है। और ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ने का, सीधी बात बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर लोग आप लोगों का बहुत बड़ा सीपी बनाते हैं जो कि आप लोग एज अ फैंस बन जाते हो, तो यार ये चीज़ ध्यान में रखो। अब हम लोग बात करेंगे पुष्पा और आला वैकंठ पुरलो से भी अच्छी मूवी, ये भी एक साउथ की मूवी जिसका नाम है रंगास्थलम। ये 2018 में रिलीज हुई थी, एक तेलुगु मूवी है जो कि आपको तेलुगु लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलती है। अगर आप लोग वोट करोगे, अगर आप लोग ज़्यादा इस मूवी को ट्रेंडिंग में लाओगे, तो ये आपको पॉसिबल है कि फरवरी यानी कि नेक्स्ट मंथ में थिएटर्स में हिंदी में देखने को मिल जाए, जो कि बहुत गजब की मूवी है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 3 घंटे की और कहानी सेट है 80s में, और हमें नजर आता है एक गांव जिसका नाम है रंगास्थलम। सबसे पहला कैरेक्टर हम लोग बात करेंगे जो कि इस गांव का सबसे खूंखार कैरेक्टर है, वो है प्रेसिडेंट गारू, जिसका रोल यहाँ पर जगपति बाबू ने प्ले किया। ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो इस गांव में 30 साल से प्रेसिडेंट बन रहा है और इसके खिलाफ किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती। उसके अलावा इस गांव में सबसे मेन चहीता लड़का है जिसका नाम है चिट्टी बाबू, जिसका रोल यहाँ पर रामचरण प्ले कर रहे हैं। चिट्टी बाबू को सुनाई नहीं देता, लेकिन उसको इस बात से बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ता। चिट्टी बाबू एक बहुत ही अच्छा हसमुख इंसान है जो कि लोगों की हेल्प करता है, लेकिन उसको हीरो बनने का कोई शौक है नहीं। चिट्टी बाबू का एक भाई है जो कि दुबई से रिटर्न आया है। अब ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, डेफिनेटली देखनी पड़ेगी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। मूवी की अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूँ तो वो है इसकी लेंथ यानी कि 3 घंटे की, बट अगर वो मूवी अच्छी है तो ये फर्क नहीं पड़ता कि मूवी की लेंथ क्या, वो चीज़ यहाँ पर होती है। लेकिन फिर भी मैं इस पॉइंट को नेगेटिव में इसलिए डाला हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो 3 घंटे की मूवीज देखना पसंद नहीं करते। अब बात करेंगे इसकी पॉजिटिविटी की, तो सबसे पहले हम बात करें मूवी की कहानी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड लगती है, काफ़ी ज़्यादा रियल लगती है। हालांकि ऐसी कहानी भी हमने बहुत सारी मूवीज देखी, लेकिन जो इस मूवी में एक अलग टच दिया ना, वो एक इमोशनल एंगल। उसके अलावा मूवी में इमोशन के अलावा लव देखने को मिलेगा, वक्त वक्त पर एक्शंस भी देखने को मिलेंगे, और ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलेगा यानी चिट्टी बाबू, जो फिर से मैं आपको बता दूं कि गांव में रहता है, गांव में सबका चहेता भी है, सबको जानता भी है, लेकिन ये खुद में हीरो बनना नहीं चाहता। उसको पता है कि आजू बाजू क्या अफरा तफरी चल रही है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने प्यार में ही मस्त रहता है। लेकिन जब मुसीबत आती है इसके दोस्त अपने प्यार पे और अपने फैमिली पे, तो उसके बाद चिट्ठी बाबू जैसा खतरनाक इंसान कोई नहीं, और वो चीज़ ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आई है और आने वाली है। और जब मैं इस पर्टिकुलर मूवी को देख रहा था ना, स्पेशली चिट्ठी बाबू का कैरेक्टर मुझे इतना पसंद आया, मतलब कि मैं क्या ही कहूँ, और खुद को चिट्टी बाबू में इमेजिन कर रहा था मैं कई जगहों पर इस पर्टिकुलर मूवी में, जो कि आप लोग भी करोगे। मूवी में अगर म्यूजिक की बात को तो इसका बीजीएम बहुत अच्छा है, एक्शंस अच्छे हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां पर एक्शंस डाले हैं वो एक्शन को बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लगा मुझे, मूवी की एडिटिंग अच्छी है। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो जैसे कि मैंने कुछ कैरेक्टर्स का आपको स्टार्टिंग में बता लिया, कुछ ऐसे भी कैरेक्टर जिसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, तो उन कैरेक्टर को भी अच्छी तरह से लिखा जो आपका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर मूवी में बना सकते हैं। हालांकि प्रकाश राज सर जो इस मूवी में कैरेक्टर प्ले करे, उस कैरेक्टर को उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, उतना ज्यादा नहीं बताया जितना बताना चाहिए था, वो चीज मुझे थोड़ी सी खटक रही थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
तो ओवरऑल ये मूवी आप लोग डेफिनेटली देखो अगर आपको तेलुगु लैंग्वेज समझ में आती है तो। अगर नहीं आती है तो इसका वेट करो, या तो फिर आप लोग ट्रेंडिंग करो यार कि भाई हमको रंगास्थलम को हिंदी में रिलीज करो। यकीन मानो इट्स अ स्ट्रीट टू वॉच। और पुष्पा अगर आपको इतनी लगी है तो रंगास्थलम आपको इतनी लगेगी। यस मानो मेरी बात। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं पैरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा। रंगास्थल आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, जब भी जाओ जब आपकी मर्जी हो यार। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10। बस बाय।